कुछ ख्वाहिशें इंसान की ज़िंदगी का ख्वासा होती हैं, उन ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए रब ताला से बड़ी दुआएं मांगनी पड़ती हैं। हमने भी दुआ मांगी थी, बल्कि यूं कहिए कि सद के दिल से हम दुआ मांगी थी कि मस्जिद जमकरान में दो रकात नमाज अदा करने का मौका मिले, और रब ताला ने हमारी ये दुआ सुन ली। इस वक्त मैं बहुत ही मुतबर्रिक और बड़ी तकद्दस वाली जगह पर मौजूद हूँ, मस्जिद जमकरान इसे कहा जाता है, और यकीनन आपने इस मस्जिद के हवाले से, इस मस्जिद के तकद्दस के हवाले से बहुत कुछ सुन रखा होगा। ख़ास तौर पर जो ज़ायरीन यहाँ पर ज़ियारत की गरज से आए हैं, उन्होंने ये भी देखा होगा कि इस मस्जिद का आए रोज़ एक नया रूप होता है। आज अगर आप इसके रूप को देखें तो ऐसा लगता है कि आज बादल ज़मीन पर उतर आए हैं, और इस मस्जिद का तवाफ़ करने के लिए खसूसी तौर पर एहतमाम के साथ ज़मीन पर उतर आए हैं। इस मस्जिद की नस्बत क्या है, इस मस्जिद की अहमियत क्या है, और इससे क्या रिवायतें जुड़ी हुई हैं, इसी हवाले से मज़ीद हमें बताएँगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए शेख अशरफ तवानी साहब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم عجل لوليك الفراج والعافية والنصر وجعلنا من خير انصارك وعوانك جميعا ورحمة الله وبركاته। दुनिया को है उस महदी बरहक की ज़रूरत हो जिसकी निगाह ज़लज़ले आलम अफकार। यह है मस्जिद मुक़दस जमकरान कोमल मुक़दस ईरान, और एक अहम तरीन पॉइंट है, और इस मस्जिद की को मंसूब इमाम ज़मन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के साथ किया जाता है, और इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। उलमा मराजे कराम बहुत ताकीद करते हैं इस मस्जिद में आने व यहाँ दो रकत नमाज़ पढ़ने और इमाम ज़मन की ताजील के लिए दुआ करने के हवाले से। और बेसिक हिस्ट्री तो ये है कि ज़ाहिर अभी भी आउट ऑफ कुम में ही है ये, लेकिन कदीमुल अय्याम ये तो बिल्कुल शहर कुम जब महदूद था तो उसके बाहर के रीजन शुमार होते थे। तो एक चरवाहा, दीनदार चरवाहा, जिसका दिल इमाम की मोहब्बत से और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार था, वो मुसलसल 3 दिन तक ख्वाब में इमाम को देखते हैं, और इमाम इसी जगह पे मुअय्यन करते हैं कि यहाँ पे मस्जिद तामीर करो, यहाँ पे मस्जिद तामीर करो। वो चरवाहा वो समझा मैं गुनहगार, और कहाँ मैं और कहाँ इमाम। तो उस वक्त के उलमा व मराजे कराम के पास आए तो उन मराजे ने भी फरमाया, आपने अभी तक क्यों नहीं तामीर की मस्जिद, ये तो इमाम का हुक्म है। और उसके बाद से इमाम के चाहने वाले मुंतज़रीन का इज्तिमा हर साल बढ़ता जा रहा है, और इमाम की मोहब्बत, इमाम की याद, इमाम की ताजील के लिए यहाँ जमा होते हैं, दुआ करते हैं, और इमाम के हकीकी मुंतज़रीन होने के लिए आज़म आहद करते हैं कि ए इमाम, जो आलमी सतह का इनकलाब इंसानियत का, अदालत का आप बरपा करेंगे, उस इनकलाब के लिए हम अपने आप को और अपनी नस्लों को तैयार व आमादा करेंगे। खुसूसन 15 शाबानुल मुअज्जम को यहाँ बहुत बड़ा बाशुकु इज्तिमा होता है। हरम हज़रत मासूमा यहीं करीब है, वहाँ से लोग पैदल आते हैं, बच्चे, ख्वातीन, बुज़ुर्ग और पियादा रवि की हालत में आते हैं, और हरम टू हरम लाखों का इज्तिमा होता है, लाखों अकीदतमंदों का, उलमा का, स्कॉलर्स का, जवानों का, बच्चों का, ख्वातीन का, आउट ऑफ कंट्री आते हैं लोग, और लाखों का इज्तिमा अल अजल की सदाएं बुलंद करते हैं, और इमाम के लिए जो उम्मत चाहिए उस उम्मत के बनने का ऐलान करते हैं, आज़म करते हैं, और यहाँ पे जो है आकर दो रकत नमाज पढ़नी होती है इमाम ज़मन के नाम से, ताकि हमारे इत्तिसाल इमाम की ज़ात से कवी हो, और इमाम की नज़रें हम जल्ब कर सकें, और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो खला है, कमी है, ज़ाहिर इमाम से मोहब्बत महरूम है इमाम के वजूद से ज़ाहरी तौर पर, तो वो क्या ज़िंदगी। इस महरूमियत को ख़त्म करने के लिए हतमन इस मरकज़ में आएँ जवानान, जिनको तौफीक होती है, और आकर इमाम से अपना कल्बी राबिता इत्तिसाल बढ़ाएँ, और उस दो रकत नमाज में, नमाज इश्क है, इमाम से अपने राबते को बहाल करें, और इमाम से तौफीकात मांगे। ए मौला, पहले हमारे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे, उसके बाद आपकी मारफत से भर दे, चूँकि जो ज़ियारत और मारफत के बग़ैर हो उसकी कोई वैल्यू इतनी नहीं होती, लेकिन मारफत आ जाए तो उस पर 4 चांद लगते हैं, फिर इंसान अपनी तमाम ज़िंदगी, अपनी सलाहियतें, अपने पोटेंशल्स, स्किल्स इमाम की राह में खर्च करता है, कुर्बान करता है, ताकि इमाम के मिशन के लिए नस्लों को, जवानों को, जहनों को, मिल्लतों को
तैयार कर सकें। इस अज़म का साथ यहाँ आए और ये मस्जिद मुकद्दस जमकरान सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ की याद दिलाती है वो इमाम जो गुमशुदा है, यानी हम दरअसल गायब हैं, इमाम तो हाजिर सहने हैं, लेकिन आज हम अब मिनहाई से मुसलमान व मोमिन व शिया आज़म करें कि हम अपने अंदर नक्स व खला को बरतरफ करें और वो हकीकी शिया बने जो इमाम के मिशन का दिफा कर सकता है, इमाम के मकासिद को आगे बढ़ा सकता है, तो यकीनन जहूर हो सकता है और मिल्लते इस इमाम आली मकाम के उस अदालत व अदल व किस्त पर मबनी आला इंसानी फ़ज़ाइल, आला इंसानी अकदार के हामिल इनकलाब के फ्यूज़ात से बहरमन हो सकती है। कमी हमारी तरफ़ से है, सुस्तियाँ हमारी तरफ से हैं, कोताहियाँ हमारी तरफ से, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। आए मस्जिद मुकद्दस जमकरान कुम में, मस्जिद सहला जो आपकी आपके ज़ुहूर मुबारक के बाद आपकी हुकूमत का मरकज़ व दारुल खिलाफा होगी जो इराक में है, ये मुकद्दस मकामात हमें इमाम से अटैच करें और इमाम की निस्बत जो हमारी कोताहियाँ हैं, हमारे फासले हैं, उनको ख़त्म करें और यहाँ आकर अपनी कौमों और मिल्लतों के लिए भी दुआ करें। हमारी दुआ है खुदावंद मुताल मिल्लत अज़ीम पाकिस्तान को और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान की मिल्लत को, जवानों को शऊर दे, अज़म दे और अपने मुल्क कौम की तामीर व तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालने की तौफीक इनायत फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क़िबला मोहतरम अल्लामा अशरफ तवानी साहब हमें इस मस्जिद के हवाले से आगाह कर रहे थे। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और मामले खसूसी मंजूर अमीन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी और सिलसिले के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस प्रोग्राम को खसूसी तौर पर आप तक पहुँचाने में हमें ताउन हासिल है कारवान अल यासीन बल्तिस्तान का। अस्सलामु अलैकुम।